नमस्कार दृष्टि आई के टूडे के प्रोग्राम में आपका स्वागत है सबसे पहले पिछले से देख लेते हैं पहला प्रश्न था मायुन द्वीप कहाँ स्थित है इसका सही जवाब था बाबल मंदेव जलसंधि जल संधि अगला प्रश्न था विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है इसका सही जवाब था सत्रह जून अगला प्रश्न था डीप ओशन मिशन के लॉन्च की घोषणा किस देश ने की है इसका सही जवाब था भारत अगला प्रश्न था सेरम द्वीप कहाँ स्थित है इसका सही जवाब था इंडोनेशिया अगला प्रश्न था क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है इसका सही जवाब था फुटबॉल अगला प्रश्न था लद्दाख कोल्ड डेजर्ट किस पर्वतमाला का हिस्सा है इसका सही जवाब था हिमालय अगला प्रश्न था विद्या बालन की फिल्म शेरनी के निर्माताओं के साथ किस पर्यटन बोर्ड ने मार्केटिंग साझेदारी की है इसका सही जवाब था मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड अगला प्रश्न था रणथंभौर का किला किस राज्य में है इसका सही जवाब था राजस्थान अगला प्रश्न था तेंदू पत्ते का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है इसका सही जवाब था बीड़ी उद्योग अंतिम प्रश्न था शिवाजी महाराज की माता का नाम क्या था इसका सही जवाब था जीजाबाई शुरुआत करते हैं आज के सेशन की सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न सत्य नडेला को किस कंपनी का चेयरमैन बनाया गया है गूगल माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक या फिर ट्विटर इसका सही जवाब ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन बनाया गया है नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के पद पर कार्यरत थे माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी है इसकी स्थापना उन्नीस में बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने की थी तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है गजनेर वन्यजीव जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है गुजरात बिहार उत्तराखंड या फिर राजस्थान इसका सही जवाब ऑप्शन डी राजस्थान गजनेर वन्यजीव जीव अभ्यारण्य राजस्थान में है यह बीकानेर से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अभ्यारण्य के अंदर एक छोटी सी झील है इस अभ्यारण्य में पाए जाने वाले वन्यजीव हिरण मृग चिंकारा, काला हिरण यानी ब्लैक बक और डेजर्ट फॉक्स है विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी भी यहाँ देखे जा सकते हैं तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर स्टेट्स का हिस्सा है उत्तराखंड पश्चिम बंगाल ओडिशा या फिर मेघालय इसका सही जवाब ऑप्शन डी मेघालय मेघालय सेवन सिस्टर स्टेट्स का हिस्सा है इसकी राजधानी शिलोंग है पूर्वोत्तर भारत में स्थित मेघालय को बादलों का घर भी कहा जाता है यह दुनिया के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है यह राज्य पारंपरिक त्योहारों के लिए भी प्रसिद्ध है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी मेघालय अगला प्रश्न है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है झांसी ग्वालियर शिवपुरी या फिर कानपुर इसका सही जवाब ऑप्शन बी ग्वालियर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है रानी लक्ष्मीबाई उत्तर भारत में झांसी रियासत की रानी थी वह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अठारह के विद्रोह की प्रमुख हस्तियों में से एक थी 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी ग्वालियर अगला प्रश्न है अरुणाक वर्तक ब्रह्मांक उदयक हिमांक और संपर्क परियोजनाओं का संबंध निम्नलिखित में से किस परिवहन से है रेल परिवहन सड़क परिवहन जल परिवहन या फिर वायु परिवहन इसका सही जवाब ऑप्शन बी सड़क परिवहन अरुणाक वर्तक ब्रह्मांक उद्यक, हिमांक और संपर्क परियोजनाओं का संबंध सड़क परिवहन से है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 17 जून 2021 को उत्तरी और पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन यानी बी द्वारा निर्मित 12 सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया ये सड़कें असम अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बनाई गयी है सड़कों का निर्माण बी की अरुणांक वर्तक ब्रह्मांक उद्यक हिमांक और संपर्क परियोजनाओं के तहत किया गया है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी सड़क परिवहन अगला प्रश्न है भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस का नवीनतम संस्करण किस मंत्रालय ने जारी किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या फिर पर्यटन मंत्रालय इसका सही जवाब ऑप्शन सी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण के एटलस का नवीनतम संस्करण पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जारी किया है इसे अहमदाबाद स्थित इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने प्रकाशित किया है इस एटलस में वर्ष 2018-19 के अपराधन वाले भूमि क्षेत्रों का राज्यवार विवरण दिया गया है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अगला प्रश्न है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी का संबंध किस से है स्थापत्य कला मूर्ति कला चित्रकला या फिर पाक कला इसका सही जवाब ऑप्शन डी कला सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी का संबंध पाक कला से है अठारह जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस मनाया जाता है यह है किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली स्थानीय भोजन और व्यंजन से संबंधित है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी पाक कला। अगला प्रश्न है किस देश ने उन्नीस जून यानी जून टीथ को नेशनल हॉलीडे घोषित किया है जर्मनी फ्रांस रूस या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही जवाब ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका ने 19 जून यानी जून टी को नेशनल हॉलीडे घोषित किया है अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने दास प्रथा को लेकर लड़े गए गृह युद्ध में दक्षिण के राज्यों को पराजित किया था 19 जून 1865 को दासता का जीवन यापन कर रहे अफ्रीकी अमेरिकियों को बताया गया कि वे स्वतंत्र हैं। यह घोषणा टेक्सास के गैलवेस्टन में की गई थी यह दिन जून टीथ के नाम से जाना जाने लगा इस शब्द को जून और नाइनटीन शब्दों को जोड़कर बनाया गया है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका अगला प्रश्न है कातकरी जनजाति कहाँ निवास करती है महाराष्ट्र और गुजरात मध्य प्रदेश ओडिशा या फिर तेलंगाना इसका सही जवाब ऑप्शन ए महाराष्ट्र और गुजरात कातकरी जनजाति महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में निवास करती है गृह मंत्रालय के वर्गीकरण के अनुसार कातकरी जनजाति पिचहत्तर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में से एक है इस जनजाति के लोग महाराष्ट्र में मुख्य रूप से रायगढ़ एवं पालघर रत्नागिरी और ठाणे जिले के कुछ हिस्सों में और गुजरात के कुछ स्थानों में निवास करते हैं तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, ए महाराष्ट्र और गुजरात अगला प्रश्न है दीपोर बिल क्या है मीठे पानी की झील खारे पानी की झील पठार या फिर पर्वतमाला इसका सही जवाब ऑप्शन ए मीठे पानी की झील दीपोर बील एक मीठे पानी की झील है इसे रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्र भूमि का दर्जा प्राप्त है इसके साथ साथ यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी है यह आर्द्र भूमि असम में गुवाहाटी से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है असम सरकार ने दीपोर बिल क्षेत्र से ब्रॉड गेज रेलवे लाइन को फिर से ठीक करने का प्रस्ताव रखा है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए मीठे पानी की झील अंतिम प्रश्न है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है बिहार पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड। इसका सही जवाब ऑप्शन ए बिहार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार राज्य में स्थित है यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है इस रिजर्व में पाए जाने वाले वन्यजीव बाघ स्लॉथ बियर यानी भालू तेंदुआ जंगली कुत्ता बाइसन, जंगली सुअर हिरण आदि है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए बिहार अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न गंडक नदी अत्यधिक बाढ़ के कारण चर्चा में है यह किसकी सहायक नदी है यमुना गंगा नर्मदा या फिर कावेरी इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ